दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराकर T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टॉप 8 में पहुंचते ही माइटी ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने उड़ाया भारत का मजाक। न केवल खुलेआम धमकाया बल्कि T20 वर्ल्ड कप भी भारत के मुंह से छीनने का ऐलान करते हुए बढ़ाएगी करोड़ों हिंदुस्तानियों की टेंशन। और आखिर कैसे मैक्सवेल ने अब विराट कोहली की खिल्ली उड़ाते हुए टीम इंडिया को सरेआम धमकाया, ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने अपने बयान में, उसका पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित कमिंस और कोहली में कौन सबसे बेस्ट खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर उनकी टीमों का दबदबा देखने को मिला, जिन्होंने वनडे विश्व कप में अपनी विरोधी टीमों को नाक रगड़ने पर मजबूर किया था। जहां एक तरफ ग्रुप ए में टीम इंडिया लगातार अपने 3 में से 3 मैच जीतकर सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुकी है, तो वहीं ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने भी टीम इंडिया की टेंशन बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ, वहीं ऑस्ट्रेलिया जिसने हमसे 12 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बनने का ख्वाब वो भी हमारे घर पर ही छीन लिया था, उस दर्द को आज भी हिंदुस्तानी भूल नहीं पाए हैं। और अब वही ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के जख्मों पर नासूर बनकर आ खड़ी हुई है। आपको बता दें, ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया ने भी सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब आगे सुपर 8 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही ग्रुप में रहने वाली है, यानी कि बहुत जल्द ये दोनों जानी दुश्मन टीमें हमें क्रिकेट के मैदान पर एक दूसरे से दो दो हाथ करते हुए नजर आने वाली है। जी हाँ, अब इसे खुशखबरी मानने या फिर टेंशन की बात, सुपर 8 स्टेज में ये दोनों टीमें ग्रुप ए में रहेंगी और भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब दोनों टीमें आपस में 24 जून को सेंट लूसिया के डेरन सेमी क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 8 बजे शुरू होगा और वहीं टॉस उठने का समय 7:30 बजे होगा, यानी कि दोनों टीमों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले देखने को मिल सकता है। लेकिन इस मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को धमकी देना शुरू कर दिया है। वही टीम इंडिया का भी मजाक बनाकर रख दिया है और वो कोई और नहीं बल्कि भारत से वर्ल्ड कप छीनने वाले विराट कोहली के जिगरी दोस्त ग्लेन मैक्सवेल हैं, जिन्हें तो करोड़ों हिंदुस्तानी अपना आइडल मानने लगे थे। लेकिन अब अपना असली रंग दिखाते हुए मैक्सवेल ने टीम इंडिया का ही जमकर मजाक उड़ाया और अपना बयान से करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, अब एक बार हिंदुस्तानी टीम को हल्के में लेकर अपने बड़बोले अंदाज में बहुत कुछ कह डाला है। जी हाँ दोस्तों, मैक्सवेल ने कह दिया कि मैं भी इस मैच का इंतजार कर रहा था, अब तक ये टूर्नामेंट आसान था लेकिन अब हमारे सामने टीम इंडिया है और मैं इस मैच के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। मुझे लग रहा है कि एक बार फिर भारत को हम चींटी की तरह मसल देंगे। जिस तरह से हमने वनडे विश्व कप जीता था उसी अंदाज में हम इस बार भी जीत कर रहेंगे। वैसे भी मुझे भारतीय टीम बेहद कमजोर नजर आ रही है, बड़े टूर्नामेंट में भारतीय टीम हॉपलेस हो जाती है जिसके कारण मैच गवा देती है। वैसे भी रोहित कोहली फ्लॉप चल रहे हैं, लगातार कई मैचों से अपना खाता नहीं खोल पाए हैं, इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। तो यदि इन दोनों खिलाड़ियों को हमने एक बार फिर जल्दी आउट कर दिया तो फिर टीम इंडिया को कोई नहीं बचा सकता, हम आसानी से ये मैच जीत जाएंगे। तो केवल वही नहीं दोस्तों, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हमें बस भारतीय गेंदबाजों से सावधान रहना पड़ेगा, भारतीय बल्लेबाजों को तो हम आसानी से संभाल लेंगे क्योंकि रोहित कोहली के अलावा उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है जो हमारी घातक गेंदबाजी का सामना कर पाए। ऐसे में इस बार भारत को हराना वनडे विश्व कप से भी आसान रहने वाला है। तो दोस्तों, देखा आपने ग्लेन मैक्सवेल का घमंड, जिन्होंने तो भारतीय जख्मों को कुरेदने में कोई कसर नहीं छोड़ा, उन्हें तो लग रहा है कि वो अभी से चैंपियन बन गए हैं। उनका ये अंदाज किसी भी हिंदुस्तानी को फूटी आंख भी पसंद नहीं आया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, भारतीय टीम के मेंटर बनते ही महेंद्र सिंह धोनी ने बदल डाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के लिए पूरी टीम। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच खेला जाने वाला है। इस मैच के शुरू होने से पहले भारतीय टीम के नए मेंटर महेंद्र सिंह धोनी बन चुके हैं। इस बीच उन्होंने भारतीय टीम के मेंटर का पद संभालने के साथ पूरी भारतीय टीम को बदल कर रख दिया और एक ऐसी प्लेइंग 11 तैयार कर दी है जिसको हरा पाना ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कौन से बड़े बदलाव किए हैं, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में पूरी प्लेइंग 11 के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में से कौन है महान खिलाड़ी, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, T20 वर्ल्ड कप अपने रोमांचक मोड पर आ चुका है। ऐसे में पहला राउंड ग्रुप स्टेज समाप्त हो चुका है और अब T20 वर्ल्ड कप के अंदर 20 में से 12 टीम बाहर हो चुकी है, जिनमें से अब आज टीम के बीच सुपर 8 राउंड खेला जाने वाला है जिसके लिए दोनों टीम तैयार हो चुकी है। लेकिन इस बीच T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 24 जून को खेला जाएगा, जिसके लिए भारतीय टीम ने नए मेंटर के नाम का ऐलान महेंद्र सिंह धोनी के रूप में किया है। ऐसे में अब उन्होंने पद संभालने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर सभी को हैरान कर दिया है।
दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने ओपनिंग करने के लिए सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा को शामिल किया है, जो टीम के कप्तान हैं और इस वर्ल्ड मैच में अर्धशतक लगाते हुए दिखाई दिए थे। ऐसे में एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर बेहद बेहतर बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी है, जो टीम के लिए काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इतने नहीं, महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित शर्मा का साथ देने के लिए दूसरे सलाम में बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली को शामिल किया है, जो अभी तक काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में उनका सलामी बल्लेबाज की जगह पर तीसरे नंबर पर जायसवाल को मौका दिया गया है, जिनको अभी तक टीम में मौका नहीं दिया गया था, लेकिन अब टीम के अंदर उनको मौका दे दिया गया है, जो अपने बेहतर प्रदर्शन के जरिए टीम को जीत दिला सकते हैं। ऐसे में भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर अब बुरी तरह से बदल चुका है। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने चार नंबर पर ऋषभ पंत को शामिल किया है, जो विकेट कीपर की भूमिका निभाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में अब ऋषभ पंत के ऊपर एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी विकेट कीपर के रूप में रहने वाली है। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने T20 के नंबर वन बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को शामिल किया है, जो टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सूर्य कुमार यादव के ऊपर काफी ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी रहने वाली है। पिछले मैच में इन्होंने खास कमाल कर दिया था। इतना ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी ने 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम के पार्ट टाइम ऑलराउंडर शिवम दुबे को शामिल किया है, जिन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी के साथ शानदार गेंदबाजी के जरिए विरोधी टीम को परेशान किया था। ऐसे में अब एक बार फिर से इनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी है। इतने नहीं, महेंद्र सिंह धोनी ने दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया है, जिन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी के साथ शानदार गेंदबाजी के जरिए विरोधी टीम को परेशान किया था। ऐसे में अब एक बार फिर से इनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी है, जो टीम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी हो सकता है साबित। ऐसे में हार्दिक पांड्या के बेहतर प्रदर्शन करने से विरोधी टीम को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने इनका साथ देने के लिए अक्षर पटेल को शामिल किया है, जो काफी ज्यादा बेहतर गेंदबाजी और बेहतर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में उनके ऊपर एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी रहेगी। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा को बाहर कर दिया है, इनकी जगह पर कुलदीप यादव को शामिल किया है, जो काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन गेंदबाजी करने के साथ विरोधी टीम को परेशान करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में अब इनके ऊपर भी अतिरिक्त जिम्मेदारी रहेगी, तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने तेज गेंदबाज के तौर पर अब जसप्रीत बुमराह को सबसे पहले शामिल किया है, जो टीम के लिए काफी ज्यादा बेहतर गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए थे और 2 बार मैन ऑफ द मैच बने थे। ऐसे में एक बार फिर इनके ऊपर बेहतर गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी रहेगी। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने तेज गेंदबाज के तौर पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया है, जिन्होंने पिछले मैच में टीम को शानदार शुरुआत दिलाई थी, और ऐसे में एक बार फिर से अर्शदीप सिंह के ऊपर बेहतर गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी रहने वाली है। ऐसे में अब इन दिग्गज 11 खिलाड़ियों के साथ महेंद्र सिंह धोनी 24 जून को ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ जीत दर्ज करने के इरादे से बारबाडोस के मैदान पर उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, कोच गौतम गंभीर की 5 बड़ी शर्तें मान गई BCCI। टीम इंडिया से तय हो चुकी है इन 4 खिलाड़ियों की विदाई। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के दौरान कंफर्म हो चुका है कि भारतीय टीम के नए कोच गौतम गंभीर रहने वाले हैं। ऐसे में गौतम गंभीर ने सुपर 8 राउंड के शुरू होने से पहले कोच पद संभालने के साथ 4 दिग्गज खिलाड़ियों के करियर को समाप्त करने का जिम्मा उठा लिया है। तो आखिरकार कुछ गौतम गंभीर ने किन 4 खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है, ये तो आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर और विराट कोहली में से कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, T20 वर्ल्ड कप रोमांचक अंदाज से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारतीय टीम ग्रुप स्टेज के अंदर बेहतर प्रदर्शन करने के साथ अगले सुपर 8 राउंड में क्वालिफाई कर चुकी है। ऐसे में भारतीय टीम को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ मैच में जीत हासिल करने के साथ सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेलना है। लेकिन इस बीच भारतीय टीम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल भारतीय टीम के नए कोच गौतम गंभीर टीम के 3 फॉर्मेट में कोच बनने के प्रबल दावेदार थे, जो अब कंफर्म हो चुका है। ऐसे में उन्होंने BCCI के सामने 5 शर्त रखी थी, जिसको आखिर BCCI ने मान लिया है। ऐसे में अब भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर बन चुके हैं। ऐसे में उन्होंने सुपर 8 से पहले कर दिग्गज खिलाड़ियों के करियर को समाप्त करने का ऐलान किया है। दरअसल कौन है वो खिलाड़ी, तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले उनकी 5 शर्तों के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। दरअसल गौतम